हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टो सिटी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि इस टाइम पर जब मार्केट इतना डाउन चल रहा है तो इस टाइम पर कुछ काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमारा, या प्लान क्या होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि तो इस टाइम पर काफ़ी सारी निगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। FTX ने बहुत बड़ा गेम कर दिया, इससे पहले टेरा लूना ने किया था, टेरा लूना ने जो किया था वही FTX ने कर दिया, और जो उसकी FTT जो उसका टोकन था, जो उसका नेटिव टोकन था, उसकी वैल्यू काफ़ी डाउन चली गई है। हो सकता है आगे चल के जीरो भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसी मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब बिटकॉइन अपनी ऑल टाइम हाई पर था, वहाँ से अभी काफ़ी डाउन चल रहा है जैसे आप मार्केट में देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि जब मार्केट डाउन होता है तभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े जो भी बड़े पैसे के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो बड़ा डील करते हैं या बड़ी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, उनका मानना यही होता है कि जब क्रिप्टो मार्केट या कोई भी मार्केट जब डाउन होता है तो डाउन पर हमें चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो मैं भी आपको सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप इस टाइम पर यदि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आगे चल के अच्छा प्रॉफिट उसमें अपना या अच्छा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस रिटर्न आप ले सकते हैं। पर बहुत से लोगों का सवाल ये होता है हम किस तरीके से करें या हमें किस तरीके से अपना फंड लगाना चाहिए जिससे मतलब हमें लॉस भी ना हो और हमारा एक जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हो जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा, ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगा जिसके माध्यम से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मार्केट अभी डाउन है तो सारी क्रिप्टो करेंसी लगभग डाउन ही में ही चल रही हैं। ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो अपने जो 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 80% 70% डाउन ना हो अपने ऑल टाइम हाई से, बिल्कुल सभी में ऐसा ही चल रहा है। तो इस टाइम पे आपको ऐसी जो आप जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो अपना एक SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये होता है कि जब भी मार्केट अभी डाउन है तो आपने यदि कुछ कुछ फंड अभी लगा दिया, अगर मार्केट थोड़ा डाउन जाता है थोड़ा सा तो कुछ फंड और लगा दिया, उसके बाद मार्केट यदि आपको जाता है तो आपकी एक एवरेजिंग हो जाती है, आपको लॉस नहीं होता है। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट करने के और कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में, उसके फंडामेंटल के बारे में और उसके यूज केस के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि उस क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई यदि ज़्यादा है तो भी हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं यदि सर्कुलेटिंग सप्लाई यदि ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू अगर मार्केट अप भी आता तो उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई और उसका इन फ्यूचर में क्या उसके लिए उसका यूज केस हो सकता है, इसके अलावा उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक तो मैंने आपको 2 टिप्स भी ये बता दी, अगली टिप्स यदि मैं आपको बताऊँ तो आप जो आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम पर यदि किसी के पोर्टफोलियो में यदि फंड पड़ा हुआ है या USDT में उन्होंने अपना कन्वर्ट करके रखा हुआ है तो अपना धीरे धीरे करके वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी मार्केट यदि डाउन है तो डाउन मार्केट में ही हमें अच्छा पैसा कमाने का मौका होता है, यदि आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट जब अपनी ऑल टाइम हाई पर जाएगी तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि तो बिटकॉइन जब 30,000 आया, जो बिटकॉइन जब 50,000 था, ठीक है, बिटकॉइन 50,000 था, 60,000 था बिटकॉइन डॉलर में, उसके बाद बिटकॉइन 60,000 से 50,000 आया, 40,000 आया, 30,000 आया, 20,000 आया, अब 15,500 को टच कर गया है, तो हम मानते हैं कि इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं हो सकता। तो आप अभी अपना इन्वेस्टमेंट करें, और अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम जो भी आपको प्राइस पे आपको एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी, और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट चलेगा उसके अंदर पॉजिटिव न्यूज आएंगी देर सवेर, तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी नेगेटिविटी है या जो भी चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही है उसलिए चल रही है, क्योंकि रेगुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो काफ़ी सारे देश या काफ़ी सारे जैसे US हुआ या अदर जो कंट्रीज हैं वो इस पर रेगुलेशन लाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 बार उसके अंदर एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ देखी, जैसे टेरा लूना की देखी, फिर FTX की देखी, तो इन दोनों को देखते हुए रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आती है। क्या तो US गवर्नमेंट भी इस पर प्लान कर रही है कि हम उस पर रेगुलेशंस लेके आए, यदि वो रेगुलेशन अगर लेके आते हैं तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो अपडाउन इतने बड़े चलते रहते हैं वो शायद कुछ हद तक कम होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।